दीपिका पादुकोण एक बार फिर रेस में लौटी और दीपिका की रेस में वापसी होते ही सोनाक्षी हो गई रेस से आउट। आप सोच रहे होंगे कि हम ये पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं, तो आपको सीधे सीधे बता देते हैं कि किस रेस की बात कर रहे हैं हम। दरअसल रेस 2 से दीपिका के आउट होने की कुछ दिन पहले आई खबर अब उलट गई है और अब सुनने में आ रहा है कि रेस 2 के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने जब डेट्स में एडजस्टमेंट का ऑप्शन निकाला तो दीपिका फिल्म के लिए दोबारा राजी हो गई है। लेकिन अब मुश्किल ये है कि दीपिका के लिए डेट्स में किए गए इस फेरबदल से सोनाक्षी को हो गई है एक बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि जहां एक तरफ उन्हें इमेज मेकओवर का मौका देने वाली रेस 2 है तो दूसरी तरफ है सलमान खान स्टारर दबंग 2 जो नेक्स्ट ईयर मार्च में फ्लोर पर जा रही है। और अब मुश्किल ये है कि दीपिका के लिए डेट्स एडजस्ट के चक्कर में रेस 2 भी उसी दौरान फ्लोर पर होगी जब सोनाक्षी दबंग 2 के लिए शूट कर रही होंगी। ऐसे में इतना तो तय है कि सोनाक्षी सलमान का साथ नहीं छोड़ना चाहेंगी, इसीलिए पहले जो सिचुएशन दीपिका के साथ थी अब वो सोनाक्षी के साथ हो गई है। दीपिका को सैफ अली खान और अयान मुखर्जी की रणबीर स्टारर ये जवानी है दीवानी में से किसी एक को चुनना था, लेकिन अब सोनाक्षी को रेस 2 और दबंग 2 में से एक को चुनना है।